अस्सलाम वालेकुम, मैं साहिबजादा हैदर जान और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान के एक मशहूर तालीमी इदारे इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के ग्राउंड पे मौजूद हूँ। और आज यहाँ पे जो एक दो रोज़ा इवेंट है, आज उसका दूसरा रोज़ है और उसका जो टाइटल रखा गया है मीना अमन और खुशहाली जश्ने इस्लामिया। और इसके जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। पेशावर इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा में एज सच फैमिली के लिए ये इवेंट अरेंज करना एज़ अचीवमेंट, जिसके भी मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट ने अरेंज किए विद स्पॉन्सर जो है मीमार और भी जितनी भी स्पॉन्सरिंग बॉडीज़ है, ऑर्गेनाइज़र्स है, जो फैकल्टी इसमें इन्वॉल्व है, जो स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के इन हालात में, जो कि एक अनस्टेबिलिटी है, एक बेचैनी है, उन हालात में एज सच ये फैमिली फेस्टिवल्स अरेंज करना जो है ये सब मुबारकबाद के मुस्तहक है। और इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ क्लिप्स भी ऐड किए, जितने डिफरेंट स्टॉल्स हैं, डिफरेंट कंपटीशन के स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी भी यूनिवर्सिटीज से रिक्वेस्ट होगी कि इसी तरह इवेंट्स अरेंज करें, इसको एक बेंचमार्क बना के सारे जो है इसी तरह इवेंट्स अरेंज करें। आप जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो एक भाई के साथ, एक छोटे भाई के साथ मुलाकात हुई, जो स्टॉल जो है शौकत खानम का है और उसका जो कराची हॉस्पिटल बन रहा है उसके लिए अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। और अब्दुल रऊफ और उनके जो दोस्त जो है, और जो दो तीन मिनट मेरे उससे बात हो गई तो मैंने कहा भाई आप मार्केटिंग के बंदे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है और इस इवेंट को कामयाब बनाने में उसके वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी एनर्जी जो है उसने शो की है। थोड़ी बहुत हम अब्दुल रऊफ से और उसके कलीग से भी बात करेंगे। अब्दुल रऊफ जो स्टॉल जो है आज, या अगर मैं कहूँ इस इवेंट के बारे में अगर थोड़ी बहुत बात कर लो, पश्तो उर्दू दोनों वर्जन, बाय द वे इज आल्सो स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज। पहले तो शुक्रिया कि आप इस इवेंट में आए। दूसरा, ये इवेंट वन ऑफ इट्स काइंड है, इस्लामिया कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होना बहुत खुशाइन बात है। आप अगर देखेंगे ना, बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, स्टूडेंट्स की छुट्टियाँ हैं लेकिन फैमिलीज के इवेंट इतना आबाद किया हुआ है, कवाली नाइट की भी तैयारियाँ चल रही हैं। सो ये बहुत खुशाइन बात है, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे इवेंट और भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने इसके सुपरविजन में करवाए ताकि इवेंट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। और कोई थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ के साथ एक छोटा सा क्लिप ऐड करने का मकसद कि हमारे यूथ यंग स्लॉट जो है वो इसके मुल्क के तरक्की में अपने हद तक कितना किरदार अदा कर सकते हैं, इस वीडियो क्लिप में आप लोगों को उसका अंदाज़ा हुआ होगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
you or weep you. From the freedom they are.